चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिन और जिस रूप में वो मनाए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। याद रखिए हम लोग जुलाई जनवरी से लेकर जुलाई महीने तक के सभी आपके महत्वपूर्ण दिन और दिवस देख चुके हैं और महत्वपूर्ण आपके दिवस के नाम से प्ले लिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी क्लासें डली हुई है। एक बात और याद रखिए, इसमें आपके स्थायी आंकड़े ले लिए गए हैं, ठीक है। और अस्थायी आंकड़े यानी कि कहने का मतलब है कि जो थीम रहती है इनकी वो आपकी करंट अफेयर्स में हम लोग हर समय अपडेट होते रहेंगे। जैसे 2020 की अलग हो गई, 2021 की अलग होगी, तो जो भी थीम बदलती है उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है और फिर आप सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में भी देखते हैं कि क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते रहते हैं इनसे। तो आप देखेंगे 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब? 1 अगस्त को। याद रखिए 1 अगस्त से 7 अगस्त यानी कि पहला सप्ताह है, जो पहला सप्ताह होता है अगस्त का उसे आप लोग विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं, विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 1 अगस्त को कह देते हैं विश्व स्तनपान दिवस, लेकिन उस सप्ताह को पूरे को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाते हैं। एक बात और आपको बता दूं, आप लोग भी तो जानते हैं, कहते हैं कि 6 महीने तक या कुछ और दिन तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, वो उसके लिए अमृत से बढ़कर होता है। तो ये उसी की एक तरह से जागरूक बनाने के लिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 2 अगस्त को, 2 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बीयर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बीयर दिवस आपका 2 अगस्त को, याद रखिए ये अगस्त जो महीना होता है उसके पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। अब ये शुक्रवार जिस भी डेट को पड़े उसको आप देखेंगे कि आप क्या मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय बीयर दिवस पहले शुक्रवार को अगस्त महीने के में, ठीक है। इसकी शुरुआत आप देखेंगे 2007 में हुई थी, ठीक है। एक तरह से क्या होता है कि अपना एकता बना रखने के लिए, दोस्तों के साथ मिलते रहने के लिए, आप कहते नहीं बियर पार्टी हो जानी चाहिए, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। और फिर आपका आता है विश्व मैत्री दिवस, विश्व मैत्री दिवस, तो याद रखिए आपका अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत आप देखेंगे 1935 में अमेरिका से हुई थी। तो याद रखिए ये अपने अगस्त के पहले रविवार को, अगस्त के पहले रविवार को, ठीक है, याद रखने इतना। और अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस ये अगस्त के पहले शुक्रवार को, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये तो आपको याद ही रहना चाहिए क्योंकि हर बार देखा जाता है कि क्वेश्चंस हमेशा इससे पूछे गए हैं। हीरो सीमा दिवस कब मनाया जाता है? हीरो सीमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन आप देखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान में हीरो सीमा पर एक परमाणु बम गिराया था, इसी की याद में आप हीरो सीमा दिवस मनाते हैं। इस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, क्योंकि इस बम के बारे में भी कई बार पूछ लिया गया है। तो याद रखिए 6 अगस्त 1945 को हीरो सीमा पर अमेरिका के द्वारा एक बम गिराया गया था, उसी की याद में आप हीरो सीमा दिवस मनाते हैं। इस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। और 6 अगस्त को ही आप लोग एंटी न्यूक्लियर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पर आप देखेंगे 7 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश में हथकरघा बुनकरों का सम्मान करने तथा हथकरघा उद्योग को उत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में स्थापित किया गया था। आपने देखा है नई सरकार जब से आई हुई है तो ये काफी बढ़ावा भी दे रही है इसे हथकरघा को, ठीक है। फिर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस, ये वही है, याद रखिए इसमें कुछ नहीं बदला हुआ है। कभी ये किसी और डेट को पड़ जाता है, कभी किसी और डेट को पड़ जाता है, समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस ये 7 अगस्त को, पहला रविवार जब भी पड़े, ठीक है, और वो डेट जो भी हो आपकी उसी को मनाया जाएगा, ठीक है।
अगस्त के पहले रविवार को जो भी डेट पड़े, 7 पड़े, फिर चाहे 6 पड़े, फिर चाहे 5 पड़े, जो भी पड़े। 8 अगस्त की अगर बात करें हम लोग, तो 8 अगस्त को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को। हर साल 8 अगस्त, 8 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष व्यक्ति समाज को साक्षरता की महत्व के लिए, यानी कि साक्षरता के बारे में जागरूक बनाने के लिए 1966 से यह दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने स्थापित किया था। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस। फिर आप देखेंगे 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, ये भी कई बार बन चुका है क्वेश्चन। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस मनाते हैं, इसके बारे में भी याद करिए। आपने देखा होगा कि हिरोशिमा पर एक तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। इसका क्या नाम था? फैट मैन। इस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। वो उसका क्या था जो हिरोशिमा पर गिराया गया था? लिटिल बॉय। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले दिन यानी कि गांधी नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। एक तरह से उन्हीं की याद में इसे मनाते हैं। और याद रखिए 10 अगस्त को आप देखेंगे विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। एक बात और आपको बता दूं यार कि देखिए कई दिवस क्या होते हैं कि जोड़ते रहते हैं, नए नए ऐड होते रहते हैं। तो जब भी आप लोग पढ़ रहे हो आपको लगता है कि कोई छूट गया है तो आप नीचे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला हुआ है कि जो भी आपको लगता है कि और जानकारी देनी चाहिए तो आप भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई, आप समझिए एक हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि हम ज्यादा जानते हैं या आप ज्यादा जानते हैं, सब कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि विश्व युवा दिवस, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व युवा दिवस। 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2000 में 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया गया था। एक बात और आपको याद दिला दूं कि आपको बताना है कि भारतीय युवा दिवस कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग सर्च करके। विश्व युवा दिवस तो आप 12 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन भारतीय युवा दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पुरानी क्लासों में, तो आपको नीचे लिखना है। बाया हाथ से काम करने वालों का दिवस 13 अगस्त को। ठीक है, कब? 13 अगस्त को, 13। इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। कब? ठीक है, 1976 में। कई लोग होते हैं ना कि बाहर हाथ से भी काम करते हैं। और याद रखिए 14 दिवस को आप देखते हैं पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1947 को आप जानते हैं कि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और हमसे अलग होके पाकिस्तान 14 अगस्त को बन चुका था। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। एक बात और आपको बता दूं यार, देखिए स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। अगर आपसे पूछे कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है तो 26 जनवरी को, क्योंकि देखा है आपने 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था और गणतंत्र के रूप में एक बना देश। ठीक है, तो उसकी याद में। और 17 अगस्त को आपसे पूछे तो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 19 अगस्त को अगर आपसे पूछे यानी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस पूछे आपसे तो 19 अगस्त को मनाते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त को, यानी कि फोटोग्राफी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तरह से फोटोग्राफी दिवस मना लेते हैं।
आप देखेंगे विश्व मानव मानवीय दिवस कब मनाते हैं? विश्व मानवीय दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावाद दिवस कर्मचारियों के काम को पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर दिन सशक्त संघर्ष से प्रभावित निर्दोष नागरिकों पर ध्यान आकर्षित करना, जिन्हें दुनिया में संघर्ष और युद्धों की वजह से भागने या छिपना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस वर्ष 2008 में अपने संकल्प के द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसे स्वीडन देश ने प्रायोजित किया था। यह दिवस 19 अगस्त 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बमबारी में महासचिव की मुख्य प्रतिनिधि और अन्य की सहयोगियों की मौत होने की वजह से हर साल 19 अगस्त को आयोजित किया जाता है विश्व मानवीय दिवस। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अर्थ ओवर शूट डे कब मनाया जाता है, अर्थ ओवर शूट डे, तो याद रखिए 20 अगस्त को। कब? विश्व यानी कि अर्थ ओवर शूट 20 अगस्त। ठीक है, सद्भावना अगर दिवस पूछे तो याद रखना 20 अगस्त, 20 अगस्त को आई आपका सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नाती और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र थे, आपको मालूम होगा। राजीव गांधी ने अपनी माँ की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे और 1984 से 89 के बीच अवधि में भारत के छठे प्रधानमंत्री भी बने। और राजीव गांधी ने 40 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के हमारे प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, राजीव गांधी साहब, तो इनके बारे में भी अच्छे से याद रखिए, उनकी स्मृति दिवस के रूप में एक तरह से मनाते हैं। इन सब के बारे में आपके प्रधानमंत्री हों फिर चाहे राष्ट्रपति हों, जो भी चर्चा में रहते हैं व्यक्ति, जो भी एक तरह से आपके स्वतंत्रता सेनानी हो गए प्राचीन काल से, जो भी आपको मुझे लगता है कि आप लोगों को जानने के लिए होंगे, उन सब की बायोग्राफी कवर कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। 20 अगस्त को ही आप देखेंगे भारत अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 20 अगस्त को भारत अक्षय ऊर्जा दिवस, एक ये तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं? विश्व मच्छर दिवस क्या मनाते हैं? ये तो आपके एक तरह से इंटरेस्ट के लिए हो गया, जनरल नॉलेज के लिए, कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो याद रखिए 20 अगस्त को आप देखेंगे विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। प्रति वर्ष 20 अगस्त को मलेरिया रोग के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए मच्छर दिवस मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने 1897 में मच्छर और मलेरिया के बीच संबंध की पहचान कर की जानकारी दी थी। सर रोनाल्ड रॉस ने पाया था कि मादा एनोफेलिस मच्छर इंसान के बीच मलेरिया को प्रसारित करता है। मलेरिया के संचरण पर अनेक अपने काम के लिए सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सर रोनाल्ड रॉस नोबेल से सम्मानित होने पहले पहले ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये याद रखिए विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। ठीक है, मच्छर चलिए आगे बात करते हैं। 23 अगस्त को आप देखेंगे दास व्यापार और इसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को आप देखेंगे स्टालिनवाद और नाजीवाद के पीड़ितों के लिए यूरोपीय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और 26 अगस्त की बात करें या फिर बात करें मदर टेरेसा जयंती कब मनाते हैं? मदर टेरेसा जयंती आप लोग 26 जनवरी को, सॉरी 26 अगस्त को मनाते हैं। कब? 26 अगस्त को। ठीक है, और 26 अगस्त को ही महिलाओं की समानता दिन मनाते हैं। 26 अगस्त को ही महिला समानता डे भी मनाते हैं। यह दिन अमेरिका संविधान के 19वें संविधान संशोधन में के पारित होने की याद दिलाता है, जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। 1878 में पहली बार संशोधन पेश किया गया था, 1971 में
अमेरिकी कांग्रेस ने 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया है 1971 में। ठीक है, तो याद रखिए 26 अगस्त को महिलाओं की समानता, महिला समानता दिवस, वुमेन इक्वालिटी डे मनाया जाता है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ तो महिलाओं को शुरू से ही बराबर अधिकार वोट के दिए गए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परीक्षण विरोध दिवस ये 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को। ठीक है, और याद रखिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। ध्यानचंद को एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी के जन्मदिन पर सम्मानित करने के लिए एक तरह से आप लोग 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। ये पता है आपको, ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमपी के एग्जामों में कई बार पूछ लेता है। वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एमपी के लिए कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, और याद रखिए एक और बता देता हूं, लघु उद्योग दिवस आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। मलेशिया राष्ट्रीय दिवस आपका 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये थे आपके अगस्त महीने के जो महत्वपूर्ण दिन, मुझे लगे जो महत्वपूर्ण मैंने सम्मिलित कर लिए, जो छूट गए हों वो आप लोग नीचे सम्मिलित कर सकते हैं, या अभी आगे बढ़ के कोई अगर जुड़ता है तब आप लोग देख रहे हैं तब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं नीचे। ठीक है, थोड़े विस्तार के साथ लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका अगर कोई मित्र आता है, परिवार को कोई भी मेंबर आता है, तो वो आराम से देखता रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिन देखेंगे, और महत्वपूर्ण वो जिस रूप में मनाए जाते हैं। अगर याद रखिए कोई गलती भी हो जाती है तो उसे भी आप लोग नीचे सुधार कर लिख दिया करिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। ठीक है,